वेलकम टू माय चैनल इंडियन किचन। इंडियन किचन में आज मैं आपके सामने लाई हूँ होली की स्पेशल रेसिपी, गुलाब जामुन की रेसिपी, जो हम हेल्दी तरीके से तैयार करेंगे। गेहूं के आटे की बनाएंगे। यहाँ पर मैंने एक बड़ी कटोरी गेहूं का आटा लिया है। चाशनी के लिए यहाँ पर एक कटोरी मैंने चीनी की ली है, दूध लिया है जिससे हम डो तैयार करेंगे, और इसमें हम मिल्क पाउडर का यूज करेंगे जिससे हमारे गुलाब जामुन बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी लगेंगे। तो चलो जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चाशनी तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया है जिसमें हम एक कटोरी चीनी की डाल लेंगे और साथ में ही हम एक कटोरी पानी की डालेंगे। यहाँ पर हमने कोई तार सेट नहीं करनी चाशनी के लिए, बस उतना ही गर्म करना है जिसमें हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। अब इसको अच्छे से पकने देंगे। जब हमारी ये चीनी पानी में अच्छे से मेल्ट हो जाएगी तो हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। यहाँ पर हम गुलाब जामुन का डो तैयार करेंगे जब तक हमारी चाशनी बन रही है। यहाँ पर मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है जिसमें हम जो हमने एक कटोरी आटे की ली थी गेहूं के आटे की, वो डाल लेंगे। अब इसमें हम मिल्क पाउडर के 5 चम्मच डालेंगे, 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल। अब इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसको अच्छे से एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। डो हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है और हमारा इतना दूध आटा गूंदने के बाद बच गया है। अब हम इसको रेस्ट पर रखेंगे 5 मिनट के लिए, और इतने में हम चाशनी को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए चीनी भी अच्छे से पानी में मिक्स हो चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब देखिए हम गुलाब जामुन को अब हम बना लेते हैं छोटे छोटे। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी आकार में आप इसको ले सकते हो, बड़ा भी ले सकते हो, छोटे छोटे भी ले सकते हो। तो देखिए मैं यहाँ पर छोटे साइज के बना रही हूँ। इसको बनाते समय इसमें कोई भी किसी भी तरह की दरार नहीं होनी चाहिए, अच्छे से हमें इसको गोल गोल कर इसको बनाना है। तो देखिए यहाँ पर हमने सभी गुलाब जामुन की शेप को बनाकर रख लिया है। दो तरह की बनाई है, एक लंबे आकार में, एक गोल आकार में। तो चलो इनको जल्दी से फ्राई करना शुरू करते हैं। तेल यहाँ हमारा हमने गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल का टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा ठंडा होना चाहिए। नॉर्मल टेम्परेचर में एक गुलाब जामुन हम डालकर देखते हैं, अगर हल्के हल्के बबल्स आने शुरू हुए हैं तो समझ लो हमारा तेल का टेम्परेचर बिल्कुल सही है। एक गुलाब जामुन हम डालते हैं, तो देखिए हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं। अभी इनको हमने 1 मिनट के लिए बिल्कुल हाथ नहीं लगाना। हम एक एक करके सभी गुलाब जामुन हम तेल में डालते जाएंगे और इनको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। आंच बिल्कुल धीमी होनी चाहिए ताकि गुलाब जामुन हमारे अंदर से भी अच्छे से पक जाएं। ये गुलाब जामुन को पकते हुए 1 से 1.5 मिनट हो चुका है। अब एक चम्मच की सहायता से इसको किनारों से हल्का सा घुमाते जाएंगे और गुलाब जामुन को अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से पकाते जाएंगे। यहाँ पर गुलाब जामुन को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और अंदर से भी अच्छे से पक चुके हैं। अब इनको हम अलग प्लेट में निकाल लेते हैं और साथ में ही इसको हमने चाशनी में डालना है। चाशनी हल्की गर्म होनी चाहिए। अब इनको हम चाशनी में डाल देंगे। इसी तरह से हम दूसरे गुलाब जामुन भी तैयार कर लेते हैं और इनको हम 2 घंटे के लिए चाशनी में ही छोड़ेंगे ताकि ये चाशनी में अच्छे से फूल जाए। देखिए यहाँ पर हमारे मजेदार से गुलाब जामुन बनकर रेडी हो चुके हैं। बहुत ही हेल्दी है क्योंकि हमने आटे से तैयार किए हैं। आप भी होली के दिन पर इसको जरूर ट्राई करना। मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।